मार्केट में मिलने वाली फरेरो रोशन चॉकलेट बिल्कुल मार्केट जैसी बनाएंगे और इसे आज हम घर पे ही बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए चाहिए मुझे मिल्क कंपाउंड, 150 ग्राम मिल्क कंपाउंड चाहिए मुझे। मुझे चाहिए काजू का टुकड़ा 1½ स्पून, 1/2 कप जितना चाहिए मुझे न्यूट्रिला पेस्ट। ये हेजलनट पेस्ट आता है जो हम ब्रेड पे बच्चों को चपाती पे लगा के देते हैं ना, वो वाला है। 1/2 मुझे कप चाहिए ये। इसके लिए चाहिए मुझे 10 से 12 मुझे पीसेस चाहिए हेजलनट नट्स के। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किसी भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे इस तरीके के शेल्स, जो वेपर सेल्स होते हैं उस तरीके के हैं ये। ये किसी भी बेकरी में या किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाते हैं। तो गाइस इस पे मैंने 150 ग्राम मेरी चॉकलेट है, जिसमें मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों मिक्स ली है। आप चाहें तो ओनली मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसको मैं माइक्रोवेव करूंगी 30 सेकेंड। तो गाइस 30 सेकेंड मैंने इसको रखी है, अभी ये मेल्ट नहीं हुई है पूरी प्रॉपर। आप 30 30 सेकेंड करके ही इसको मेल्ट कीजिए, एकदम आप 1 मिनट पे या 15 मिनट पे बिल्कुल ना कीजिए, धीरे धीरे कीजिए इसको। मैं एक बार दोबारा इसको 30 सेकेंड पे लगा दूंगी। गाइस मैंने दोबारा इसको 30 सेकेंड पे करा है और ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखिए। और इसको मैं मिक्स कर लूंगी, अच्छे से मेल्ट मेरी हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने काजू का टुकड़ा, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, कभी भी एक साथ मत डालिए। थोड़ा सा डाल के पहले मिक्स कर लूंगी, मुझे और रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं डालूंगी इसमें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून और डाल दिया मैंने, इसमें कभी भी एक साथ मत डालिए। अब मैं इसको रख दूंगी साइड में। तो गाइस अब मैं ले लूंगी न्यूट्रिला पेस्ट और अपने शेल्स और हेजलनट्स होते वो ले लूंगी। एक शेल लूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मैं अपना ये पेस्ट न्यूट्रिला वाला। और इसमें डाल दूंगी मैं अपना ये एक नट और इसको अच्छे से मैं कवर कर लूंगी। और इसको मैं इस तरीके से एक ट्रे में निकाल लूंगी, इस सारे रेडी कर लूंगी इस तरह मैं। तो गाइस ये मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एक शेल ले लूंगी अगेन और इसमें भी पेस्ट मैं भर दूंगी, चॉकलेट पेस्ट। और उसके बाद में एक शेल और लेके इसको इससे कवर कर दूंगी और हल्का सा प्रेस करूंगी। गाइस बहुत ही आराम से प्रेस कीजिएगा, बहुत डेलिकेट होते हैं ये शेल्स, हल्का सा प्रेस करूंगी। तो गाइस मैं अब सेकंड रेडी कर लूंगी। इसी तरीके से सारे मैं रेडी करूंगी। हल्का सा प्रेस करना है और ये आपस में चिपक जाएंगे। तो गाइस ये रेडी हो चुके हैं और इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी 1/2 आवर के लिए। 1/2 आवर हो चुके हैं मेरे, फ्रिज से मैंने इसको निकाल दिया है, बिल्कुल जम चुके हैं। इसको कर दूंगी मैं अप साइड में। जो ये चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी इसके अंदर मैंने जो काजू डाले थे वो भी अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये शेल, अच्छे से इसको कोट कर लूंगी। इसको इस तरीके से मैं 1 मिनट के लिए हाथ में ले लूंगी इस तरीके से स्पून में, जिससे कि इसके जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो नीचे गिर जाएगी। और इस तरीके से कर इसको मैं इस तरीके से बटर पेपर पे निकाल लूंगी। इसी तरीके से मैं सारे रेडी कर लूंगी। अच्छे से इसको
तो गाइस ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो गाइस 1 मिनट हो चुका है और मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है। अब मैं इसमें से बिल्कुल अच्छी तरह ये जम चुका है, इसमें से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको निकाल लूंगी। जो हल्की हल्की फिनिशिंग है वो मैं दे दूंगी इसको। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट थी वो मैंने निकाल दी है। अब मैं लूंगी इसके रैपर्स। इस तरीके के मार्केट में चॉकलेट रैपर मिलते हैं, तो इसको मैं इसे रैप करूंगी। बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है तो मैंने बिल्कुल सेम इसको गोल्डन कलर से ही रैप किया है। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूंगी। सारे रैप इसी तरह कर लूंगी बिल्कुल। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट है और फेस्टिवल सीजन वैसे ही शुरू हो चुका है। तो गाइस सारे मैंने इसको रैप कर दिए हैं, अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। तो गाइस रेडी है मेरी फरारो रोशर चॉकलेट, बिल्कुल मार्केट जैसी, बिल्कुल मार्केट में जो मिलती है वही टेस्ट है। आप इसे त्योहार के मौके पे जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। इसी तरह की रेसिपी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है ना उसे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बाय।